हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ मनोज वर्मा। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको सुपर ट्रेंड पे काम करके दिखाऊंगा कि सुपर ट्रेंड पे फुल्ली ऑटोमेशन ट्रेडिंग कैसे करी जाती है। और ये जो सुपर ट्रेंड है, ये नॉर्मल सुपर ट्रेंड नहीं है, कस्टम सुपर ट्रेंड है। प्लस मैं इसमें आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा, पेपर ट्रेडिंग। संडे का दिन है तो आज मार्केट बंद है, इसलिए मैं पेपर ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा विथ ऑटोमेशन। सेम चीज़ आप अगर रियल ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप रियल ट्रेडिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं, हम अपने चार्ट पे चलते हैं। और ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर उन्हीं को मिलेगा जो हमारे पैड मेंबर है और जो एल्गो ट्रेडिंग हमारी यूज़ कर रहे हैं, हमारा बॉट यूज़ कर रहे हैं, तो उन्हीं को ये इंडिकेटर मिलेगा। तो बाय डिफॉल्ट जब आप सुपर ट्रेंड ऐड करते हो तो आपके सामने कुछ इसी तरीके से दिखता है। तो ये बाय डिफॉल्ट सुपर ट्रेंड है जो अभी हमने ऐड कर रखा है। जैसे हम इसके फीचर ऑन करेंगे तो इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर हैं, थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में डेप्थ में बता देता हूँ। आप सुपर ट्रेंड की सेटिंग में जाओगे तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें दिखने लग जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जो सुपर ट्रेंड का लॉन्ग सिग्नल बनता है, लॉन्ग का, तो उस लॉन्ग के सिग्नल को मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा जूम करके। जैसे हम लॉन्ग साइड से देख रहे हैं पहले, तो यहाँ पर आप देखोगे सुपर ट्रेंड ने लॉन्ग दिया। तो रियलिटी में हम यहाँ से ऐसे काम नहीं करेंगे, इनने लॉन्ग दे दिया तो हम यहाँ पर बाय करेंगे। जो लॉन्ग वाली कैंडल है उसका हाई लो कैलकुलेट करेंगे, उसका हाई ये रहा और उसका लो ये रहा। तो जब इसका हाई टूटेगा तो हमारी एंट्री होगी, जैसे यहाँ बाय डिफॉल्ट एंट्री दिखा रहा है, और लो टूटेगा तो हमारा एसएल होगा। और आप इसमें टेक प्रॉफिट भी डाल सकते हो, अभी मैंने ऑन नहीं करा। और इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हो कि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी कि हमें हाई टूटने पे नहीं चाहिए, हमें हाई के साथ बफर लगाना है। तो आप क्या करोगे, आप सेटिंग पे जाओगे और सबसे नीचे जाओगे, आप ये देख सकते हो हाई का बफर ये रहा। तो हाई लाइन के लिए आप बफर लगाना चाहते हो, जैसे मैं 5 पॉइंट का लगा रहा हूँ, लो लाइन के लिए 5 पॉइंट का लगा रहा हूँ लॉन्ग साइड में। तो आप देखोगे हाई लाइन से 5 पॉइंट ऊपर हो गया, लो लाइन लो से 5 पॉइंट नीचे हो गया। तो आप इस तरीके से बफर भी लगा सकते हो। तो देन आपका जब बफर टूटेगा, जब आपकी एंट्री होगी, तो एक कस्टमाइज ऑप्शन बना रखा है हमने पहले से ही। एंड इसके साथ साथ आपको करना क्या, आपको टेक प्रॉफिट भी लगाना है। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको टेक प्रॉफिट शो होने लग जाएगा। तो मैंने इसे ऐड करा, तो बाय डिफॉल्ट मैंने इसे जो सेट कर रखा है, जब आप इसे लगाओगे तो 1% में शो होगा। पर आप परसेंटेज नहीं चाहते या कम करना चाहते हो या पॉइंट चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करोगे, ये देख सकते हो लॉन्ग टीपी लिखा हुआ है। तो पहले हम इसे पॉइंट में कर लेते हैं, ये टीपी पॉइंट करा, लॉन्ग टीपी करा, ये सेकंड वाला ऑप्शन पॉइंट के लिए तो हमने, और ये वाला ऑप्शन परसेंटेज के लिए। तो बाय डिफॉल्ट 1% डला हुआ है और पॉइंट में भी 1 पॉइंट डला हुआ है, तो हम इसे 5 पॉइंट कर देते हैं। ऐसे हम शॉर्ट साइड का भी टीपी 5 पॉइंट कर देते हैं। तो अभी हम पॉइंट में काम करेंगे, तो हमारे जो टीपी हैं वो पॉइंट में आपको शो होंगे। तो अभी मैं दिखा देता हूँ जो हमारा टीपी कहाँ शो हो रहा है, बिल्कुल इसी के पास शो हो रहा होगा आई थिंक। हाँ, ये बिल्कुल पास शो हो रहा है, जो दिख नहीं रहा। तो ये इस तरीके से काम करेगा। अब के लिए क्या करते हैं, अब के लिए मैं इसे दोबारा से रीसेट कर देता हूँ और आपके सामने इस चीज़ को करके दिखाता हूँ। तो क्योंकि मैं बफर नहीं लूँगा लो साइड और हाई साइड, तो मैं इसे रीसेट करता हूँ। रीसेट करते ही ये इसके साथ ही आप देखोगे ये इंडिकेटर फिर से सिंपल बन गया। तो अब मैं इंडिकेटर की सेटिंग में गया, टीपी ऑन कर दिया और सारी चीज़ें ये दोनों ऑन कर दी। अब इसके अंदर फीचर ऐड हो गए जो भी मैं काम करना चाहता हूँ। अब जो टीपी है मेरा 5 पॉइंट है, तो मैं इधर जाऊंगा, पॉइंट का ये लूंगा और 5 पॉइंट डाल दूंगा, 5 पॉइंट। एंड इसी साइड से पॉइंट में काम करना चाहता हूँ, 5 पॉइंट लॉन्ग शॉर्ट साइड से भी डाल दूंगा, ओके कर दूंगा। बफर को मैंने छेड़ा नहीं, लॉन्ग बफर एंड शॉर्ट बफर। तो अब हमारा जो इंडिकेटर है शॉर्ट साइड से दिखा दूँ, कुछ इस तरीके से बन गया है। इनने शॉर्ट का सिग्नल यहाँ दिया पर हमारी एंट्री यहाँ नहीं होगी। हमारा ये कैंडल का हाई लो कैलकुलेट करेगा, लो साइड से इनने जब ब्रेकआउट दिया तो शॉर्ट हुआ और उसके बाद टारगेट भी हिट हो गया। तो इस पर अब हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे, पेपर ट्रेडिंग, और कैसे होती है वो दिखाऊंगा। तो जो टाइम फ्रेम लेने जा रहा हूँ, मैं 15 सेकेंड का लेने जा रहा हूँ, क्योंकि जिससे मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी दिखा सकूँ। एंड ये मैंने 15 सेकेंड का टाइम फ्रेम ले लिया, जिसके अंदर आप देख सकते हो, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ, ये लॉन्ग का सिग्नल आया पर हमें यहाँ बाय नहीं करना, हमारा बॉट बाय करेगा यहाँ पर, क्योंकि जो हाई लो है उसको ब्रेक होने पे बफर आप लगा सकते हो। टेक प्रॉफिट हमने 5 पॉइंट का लगा रखा, तो ये टीपी हिट हो गया, हमारी पोजिशन क्लोज हो जाएगी। देन शॉर्ट का सिग्नल आएगा, तो अगर पुरानी पोजिशन है तो उसे क्लोज कर देगा, नहीं तो अदरवाइज शॉर्ट की पोजिशन डाल देगा। और शॉर्ट की पोजिशन में जब ये ब्रेकआउट होगा इसका लो, तो हमारी एंट्री होगी, टेक प्रॉफिट पर हम निकल जाएंगे और पीछे वाला हमने स्टॉप लॉस बना रखा है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप सारे फीचर यूज करो या थोड़े फीचर यूज करो। आप बाय सेल करना चाहते हो, बाय सेल कर सकते हो। आप टीपी लेना चाहते हो, टीपी ले सकते हो। आप स्टॉप लॉस लेना चाहते हो, स्टॉप लॉस ले सकते हो, जैसा आपका दिल करे। पर मैं सारे फीचर का यूज करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये अलर्ट्स का बॉक्स है। नहीं, इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखा दूं। ये हम वेबसाइट पे गए, जब आप पेपर ट्रेडिंग पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो 12 ट्रेड मैं पहले ही कर चुका हूँ, जो कि करीबन मैंने 2 बजे के आसपास करी थी, चेक करने के लिए कि बॉट में कुछ
काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो पेपर ट्रेन में बाधा ट्रेड कर चुका हूं मैं, एंड प्लस अभी जो मैं करने जा रहा हूं वो आपके सामने करूंगा जो भी ट्रेड आएगी। प्लस एक आप इस पर क्लिक करोगे बीटा सेंटेक्स पे, तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ फायर्स के कोड होते हैं, जरोधा के कोड होते हैं, अपस्टॉक के कोड होते हैं, एलेक्स ब्लू के कोड होते हैं, ये रियल ट्रेडिंग करने के लिए। बट मुझे पेपर ट्रेडिंग करनी है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। तो ये जो फर्स्ट वाला पोर्शन देख रहे हो आप, ये है एलेक्स ब्लू पे पेपर ट्रेडिंग करने के लिए। अगर आप एलेक्स ब्लू पे ट्रेडिंग करते हो तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, इसकी वीडियो मैंने पहले ही डाल दी। और जो ये नीचे वाले 5 कोड है ये ट्रेडिंग व्यू के डाटा से ट्रेडिंग करने के लिए। तो ये सेमी ऑटोमेशन कोड है, इसका भी हम यूज़ नहीं करेंगे, ये फुल्ली ऑटोमेशन कोड है, इसका यूज़ करेंगे और क्लोज पोजिशन का यूज़ करेंगे। कोड को कॉपी करने के लिए साइड में बटन बना रखे हैं, राइट साइड में आप उसे कॉपी बटन पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिक कॉपी हो जाते हैं। तो अभी हम अलर्ट्स बनाने चलते हैं, एंड उससे पहले एक चीज़ और दिखा दूं। जो आपका डैशबोर्ड है, आपके डैशबोर्ड पे कुछ इस तरीके से आपकी डिटेल दिखती है। तो जो फर्स्ट वाला यूआरएल है ये आपका रियल ट्रेडिंग का यूआरएल होता है, और जो सेकंड वाला यूआरएल है आपके पेपर ट्रेडिंग का होता है। तो आपको इसे कॉपी करना होता है, एंड कॉपी करके अपने अलर्ट्स में लगाना होता है जब आप अलर्ट्स बनाते हो। तो मैंने पहले ही कॉपी करके रखा हुआ है, एंड जिससे पेपर ट्रेडिंग का यूआरएल, जिससे मेरी पेपर ट्रेडिंग होगी। तो दिखा देता हूं आपको, पहले हम बाई साइड के सिग्नल बनाते हैं। हम इस वॉच के आइकन पे क्लिक करेंगे, यहां हम सुपर ट्रेंड सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे चार्ट पे पहले से लगा हुआ है। एंड यहां पर हम लॉन्ग एंट्री सेलेक्ट करेंगे कि हम लॉन्ग करना चाहते हैं। इधर वंस पर बार लेंगे क्योंकि इंडिकेटर बिल्कुल भी रिपेंट नहीं हो रहा। एंड यहां पर हम कोड डालेंगे, तो हम यहां जाते हैं कोड पे, जो पेपर ट्रेडिंग का कोड था फुल्ली ऑटोमेशन का, बाय कोड पे क्लिक करते हैं और बाय का कोड कॉपी हो गया। इस कोड को हम यहां डाल देते हैं। अच्छा, एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर हमने पहले ही पेपर ट्रेडिंग का यूआरएल डाल रखा है, जो वेबहुक यूआरएल है डाल रखा है, जिससे हमारे पेपर ट्रेडिंग में यूआरएल लगेंगे। ये मैंने क्रिएट करा, जैसे मैं कोई भी अलर्ट्स क्रिएट करूंगा वो इधर दिखेंगे कि हाँ अलर्ट्स यहाँ हो रहे हैं, 15 सेकंड में लगा, ये आपको दिख रहा है। और जो भी टिगर होंगे वो नीचे अलर्ट्स लॉग में दिखेंगे। इसी तरीके से अब मैं लॉन्ग साइड का टीपी और एसएल डाल सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मैं दोनों को एक साथ डाल देता हूं। मैंने दोनों के लिए एक मल्टी कंडीशन बना रखी है, आप चाहो तो सिंगल सिंगल भी कर सकते हो। तो दिखा देता हूं मैं आपको एक बार को, आप इस वॉच के आइकन पे क्लिक करेंगे, दोबारा से सुपर ट्रेंड लेंगे एंड इधर जाएंगे। इधर जाने के बाद अगर आपको लॉन्ग एसएल लेना है या लॉन्ग टीपी लेना पर्टिकुलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पर मैं यहां लॉन्ग टीपी और एसएल दोनों को सिलेक्ट कर देता हूं, वंस पर बार कर देता हूं, कोडिंग में जाता हूं एंड ये क्लोज पोजीशन का कोड कॉपी करता हूं और इसे लाके डाल देता हूं, जिससे कि अगर मेरी कोई पुरानी पोजीशन है वो क्लोज हो जाएगी अगर कोई एक्टिव पोजीशन है। तो मैंने ये दो बना दिए, ये मेरे बाय साइड का बन गया। मैं सेल साइड का बना देता हूं। सेल साइड के लिए फिर से मैं इस पर क्लिक करूंगा, सुपर ट्रेंड लूंगा आपके सामने एंड यहां पर लूंगा शॉर्ट एंट्री। तो ये रहा मेरा शॉर्ट एंट्री, वंस पर बार करूंगा एंड कॉपी कोड पर जाऊंगा, आपके सामने गया ये शॉर्ट का फुल्ली ऑटोमेशन कोड कॉपी करूंगा। ये वाला है 10 क्वांटिटी से है, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, मैं चेंज नहीं कर रहा। तो कॉपी करा मैंने एंड देन इधर गया, इधर जाने के बाद इस कोड को मैंने डाल दिया, ये भी मेरा सेव हो गया। इसी तरीके से मैं दूसरा सिग्नल बनाऊंगा, ये सिंपल एक बिटकॉइन पे काम कर रहा हूं, तो बिटकॉइन के अकॉर्डिंग 10 क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। एंड इसके बाद मैं ये करूंगा कि ये देखिए शॉर्ट टीपी एसएल बहुत दोनों ही ले रहा हूं एंड वंस पर बार करूंगा, उसके बाद इधर जाऊंगा और क्लोज पोजीशन का कोड फिर से कॉपी करूंगा और आपके सामने डाल दिया। तो एक सिग्नल भी आ गया, आप देख सकते हो ये सिग्नल शॉर्ट का आया है एंड शॉर्ट हो गया होगा और टीपी भी हिट हो गया। तो अगर हम पेपर ट्रेडिंग के पेज पे जाएंगे, जैसे कि हमारी 12 ट्रेड थी, अगर आप देखोगे तो अब ये 14 हो गई। आप देखोगे पहले इनने शॉर्ट करा एंड उसके बाद जो टीपी हिट हुआ वहाँ हमारी एग्जिट हो गई पोजीशन, जिसके अंदर मुझे 50 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। अब ये पूरे दिन चलती रहेगी, ये पेपर ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग पूरे दिन चलती रहेगी। अगर आप रियल ट्रेडिंग कर रहे होते तो आपको एक बार अपनी मॉर्निंग में एपीआई कनेक्ट करनी होती है, देन आपकी रियल ट्रेडिंग पूरे दिन चलती रहती है। और रियल ट्रेडिंग में कोड कौन सा चलता है वो भी मैं बता दूंगा, कवर ऑर्डर ब्रैकेट ऑर्डर समथिंग भी होते हैं। और पेपर ट्रेडिंग के लिए ओनली फॉर मार्केट ऑर्डर है, हमारे पास कोई और ऑर्डर नहीं है। आप कवर ब्रैकेट लगाना चाहते हो वो नहीं लगेंगे, ओनली फॉर मार्केट है, ना लिमिट लगेंगे। तो अगर आप देखोगे 15 सेकंड के अंदर हमारा शॉर्ट बना और हमारी ट्रेड क्लोज भी हो गई और आपके सामने ही हुआ है। मैं थोड़ा सा इंडिकेटर यहां से हाइड कर देता हूं जिससे आपको ज्यादा जूम करके दिखे। तो यहां पर हमारा शॉर्ट बना, शॉर्ट कैसे बना मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। पहले हमारा शॉर्ट का सिग्नल यहां पर बना, ये वाला हमारी कंफर्मेशन आई कि भाई शॉर्ट स्टार्ट हो गया है। फिर शॉर्ट का लो हाई कैलकुलेट कर लिया, लो कैलकुलेट करा और इंतजार करा, वेट करा कि जब लो टूटे शॉर्ट की साइड का जब एंट्री हो। तो यहाँ लो टूटा तो एंट्री ले ली, फिर हमने 5 पॉइंट का ही वो लगाया था टेक प्रॉफिट, तो 5 पॉइंट का
टेक प्रॉफिट ब्रेकआउट हुआ तो हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो गया। इस तरीके से हमारी दो एंट्री हो गई और जो भी अलर्ट्स आते हो आप यहां देख सकते हो, जो अलर्ट्स आया यहां पर आया 15:30 पे, मतलब 3:30 पे और 3:30 पे कुछ सेकंड का फर्क है, दोनों अलर्ट्स आए। तो अभी के लिए मैं 5 मिनट के लिए काम करूंगा। देखो एक अलर्ट्स और आया, ये अलर्ट्स नहीं आया कंफर्मेशन आई है क्योंकि हमने इसे टिगर नहीं लगाया, इस पर अलर्ट्स ही नहीं लगाया, इस पर हमें ट्रेड ही नहीं लेनी लॉन्ग पे, हमें लेनी है लॉन्ग एंट्री पे जब ब्रेकआउट होगा। तो यहां ब्रेकआउट होने वाला आप देख सकते हो, वेट करते हैं हम, और जैसे ब्रेकआउट होगा क्या होगा आपके सामने यहां अलर्ट्स आएगा। थोड़ा सा और जूम कर देता हूं मैं आपके सामने, यहां पर अलर्ट्स आएगा। तो अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आप हाई बफर और लो बफर को अपने हिसाब से कस्टम कर सकते हो कि आप और ज्यादा गैप लेना चाहते हो। मैंने इसे बाय डिफॉल्ट रखा है, आप चाहो तो इसमें गैप डाल सकते हो, क्योंकि काफी लोगों को प्रॉब्लम थी कि हाँ भाई हाई टूटने के बाद भी मार्केट नीचे आ जाती है या हमें बफर लगाना है, तो उनके लिए ये चीज है कि वो बफर भी लगा सकते हैं। नहीं, हमें हाई के भी बफर चाहिए, पर कैलकुलेशन उसकी हाई से होगी, इस चीज को आपको ध्यान रखना। अगर उसका हाई 10 रुपए है और आप 2 रुपए का बफर डालोगे 12 रुपए पे जाएगा, एग्जाम्पल मैंने बता दिया। तो अब देखते हैं, लॉन्ग एंट्री अभी तक हमारी हुई नहीं, जैसे लॉन्ग एंट्री होगी यहां प्लॉट हो जाएगा लॉन्ग, जैसे ये हो गया और यहां अलर्ट्स आ गया। अब पेपर ट्रेडिंग के पेज पे जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो 14 ऑर्डर हैं, एंड रिफ्रेश करते हैं हम तो ये 15 हो गए क्योंकि हमारी एंट्री हो गई 10 क्वांटिटी की बाय की और ये हमारा प्राइस था, तो ये हमारी एंट्री हो गई। अगर आप देखोगे तो ये एक्टिव पोजीशन के अंदर दिखेगी क्योंकि अभी कटी नहीं है। क्यों नहीं कटी है? क्योंकि हमारा टेक प्रॉफिट भी हिट नहीं हुआ ना हमारा एसएल हिट हुआ। तो टेक प्रॉफिट हिट होने वाला है थोड़ी देर में, आपके सामने टेक प्रॉफिट हिट हो जाएगा, एंड जैसे टेक प्रॉफिट हिट होगा हमारी पोजीशन कट जाएगी। तो ये जो मैंने आपको दिखाया, मैं चाहता तो रियल ट्रेड पे भी दिखा सकता था, मेन थिंग रियल ट्रेड के लिए मेरे को मार्केट टाइम में टाइम नहीं मिल रहा जो मैं आपको वीडियो बना के दे सकूं। दूसरी बात कि सेम आप रियल ट्रेड भी कर सकते हो, सेम आप पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो, बस रियल ट्रेड में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कवर ब्रैकेट। तो अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी टेस्ट करना चाहते हो इस तरीके से भी कर सकते हो, किसी भी टाइम फ्रेम में लगा के। अभी के लिए मैंने 15 सेकंड के टाइम फ्रेम में लगा रखा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऊपर आप देखोगे तो 15S लिखा है, S का मतलब सेकंड, और यहाँ भी जो हमारे 4 अलर्ट्स बने वो S में लिखे हैं। अच्छा, आप जब बनाओगे तो आप पर्टिकुलर SL भी ले सकते थे, मैंने जो कंबाइंड बॉथ है SL, मैं एक बार फिर से दिखा दूँ, ये हमारा TP है और ये हमारा SL है, तो इसकी मैंने एक ही अलर्ट्स बना रखा है, तो आप मैंने उनको कंबाइंड कर दिया। आप चाहो तो मैं इस पर लगाना चाहता हूँ तो उस पर भी लगा सकते हो, दिखा देता हूँ एक बार आपको, ये एक बार को रुकिए आपके सामने दिखा दूँ, ये TP हिट हो गया हमारा, एंड मैं इधर गया और मैंने इधर आप देख सकते हो 15 ट्रेड हुई है हमारी, एंड इसे रिफ्रेश करा मैंने, रिफ्रेश करते के साथ ही 16 ट्रेड हो गई। तो ये मास्टर रिफ्रेश आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं दिखेगी, वो डाटाबेस में सेव हो गई है, जब भी आप लॉग इन होगे तो ऑटोमेटिक दिख जाएगी या रिफ्रेश करोगे ऑटोमेटिक दिख जाएगी। तो हमारी एंट्री यहाँ पर हुई थी और एग्जिट हमारा यहाँ पर हुआ है, जिसके अंदर हमें 50 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है पेपर ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग। जैसे आप देखोगे एंट्री प्राइस हमारा ये था और एग्जिट प्राइस ये था, परसेंटेज में ये प्रॉफिट हुआ है क्योंकि जो हम डाल रहे हैं 15 सेकंड के अकॉर्डिंग, हम प्रॉफिट और लॉस देखना नहीं चाह रहे थे, हम ये देखना चाह रहे थे वर्क कैसे करता है। अब मैं PC बंद कर दूंगा, मोबाइल बंद कर दूंगा, ट्रेडिंग व्यू बंद कर दूंगा, अपनी वेबसाइट बंद कर दूंगा, पूरे दिन ये चलता रहेगा। पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, पेपर ट्रेडिंग के अंदर आपके पास लिमिटेशन 100 ऑर्डर की, एक दिन में आप 24 घंटे में 100 ऑर्डर लगा सकते हो, उसके बाद आपके ऑर्डर जाना बंद हो जाते हैं, एंड रात को 10 से 12 के बीच में ये डाटा डिलीट हो जाता है, देन अगले दिन आप फिर से ऑर्डर लगा सकते हो। तो ये चीज़ें आपको पता चल गई होगी। अब चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे हमारी लॉन्ग एंट्री हो गई, अभी तक हमारा SL हिट नहीं हुआ। SL इसलिए नहीं हिट हुआ, मैं आपको बता दूं 15 सेकंड के टाइम में SL हिट होने वाला भी नहीं है, क्योंकि जो टाइम कैलकुलेशन बन रही है मैंने बहुत देर से देखा था SL हिट नहीं हो रहा, तो बड़े टाइम फ्रेम में SL हिट होगा। 15 सेकंड में मैं आप SL हिट नहीं करा दिखा सकता, बट जब SL हिट होगा जब भी हमारी पोजीशन क्लोज हो जाएगी, जो भी हमारी एक्टिव पोजीशन होगी। अच्छा, अब बात करते हैं अगर हमें इसे रियल में लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। तो अभी जो ट्रेड आएगी वो हम देख लेंगे, अभी तक 4 ही अलर्ट्स आए थे, वो चारों हमने देख लिए। रियल में लगाने के लिए आपको इस पे जाना है, एग्जांपल के लिए आप फायर्स में काम करते हो या एलेक्स ब्लू में काम करते हो, कोई भी एक ले लेते हैं, चलो एलेक्स ब्लू ले लेते हैं। तो आप रेगुलर ऑर्डर बना रहे हो तो आप बाय का कोड तो यहाँ से बनाओगे, या कवर ऑर्डर बना रहे हो तो कवर ऑर्डर का कोड यहाँ से बनाओगे, ब्रैकेट का बना रहे हो तो ब्रैकेट का यहाँ से बनाओगे। पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब आप रेगुलर बनाओगे, मैंने क्लोज पोजीशन डाल रखी है, दिखा देता हूँ, यहाँ मैंने एक क्लोज पोजीशन डाल रखी है। ये क्लोज पोजीशन बनाने के लिए आपको क्या, ये काम क्या करेगी, ये काम ये करती है कि जब अगर पोजीशन है जब भी कटे, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाए, तो हमारे पास पोजीशन नहीं होगी तो फॉल्स हो जाएगी चल के, पर है तो कटेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास रेगुलर ऑर्डर में बाय कर रखा है या सेल कर रखा है तो आपको क्लोज पोजीशन इसकी बनानी पड़ेगी, इधर से आप उस सिंबल का नाम डालोगे एंड वो क्लोज पोजीशन आपकी बनके तैयार हो जाएगी। एग्जांपल के लिए मैं फायर्स पे चलता हूँ, दिखा देता हूँ, मैं जैसे कि मैंने बाय ऑर्डर बना लिया,
10 क्वांटिटी का, ये तो आप बना लेना, इसकी वीडियो डाल रखी। एग्जिट पोजीशन के लिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड SBI ले लेता हूँ, SBI एन ले लिया एंड ये NSE के अंदर आया, जो भी ऑप्शन दे रहा है वो फिलअप करने आपको, देन ये हमारा कोड जनरेट हुआ, ये क्लोज पोजीशन रेगुलर की। बट आपको कवर या ब्रैकेट की क्लोज पोजीशन बनानी है क्योंकि आपने बाय कवर और ब्रैकेट ऑर्डर से कर रखा है, देन आपको इससे यूज करना है और इधर सिंबल का नेम डालना है। फिर से मैं डाल देता हूँ, SBI डाल दिया एंड NSE के अंदर आता है जनरेट, तो आपको ये वाली क्लोज पोजीशन यूज करनी है ब्रैकेट एंड कवर ऑर्डर के लिए, अगर आप ब्रैकेट एंड कवर ऑर्डर को एग्जिट करना चाहते हो उसके लिए। तो एक बार चलते हैं हम, तो अभी तक यहाँ कोई सिग्नल नहीं बना, हमारे वही 4 सिग्नल आए थे और उसके बाद कोई सिग्नल नहीं आए, और ये हमारी टोटल जब मैंने आपको स्टार्टिंग करी थी वीडियो तो 12 ट्रेड थी, अब 16 ट्रेड हो गई एंड जो प्रॉफिट लॉस टोटल वो वगैरह यहाँ पर आपको शो होता है। अगर पर्टिकुलर ट्रेड का प्रॉफिट देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्या लॉस हुआ क्या प्रॉफिट हुआ, वो यहाँ पर देख सकते हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, एक दो सिग्नल का हम और वेट कर लेते हैं। और अभी ये लॉन्ग साइड ही चल रही है, बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है, अगर आप इस पर काम करना सीख गए, मतलब इसके अंदर सारे फीचर लगा रखे हैं एंड इस पर काम करना सीख गए तो आप बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब इजली तरीके से फुली ऑटोमेशन ट्रेडिंग कर सकते हो। पर मैं आपको एक बात बता दूं, इस इंडिकेटर का प्रॉफिट एंड लॉस से कोई मतलब नहीं है। पहले आप पेपर ट्रेडिंग करके देखो, अपने सिंबल पे लगा के देखो, अपनी स्क्रिप्ट पे लगा के देखो कि हाँ उस स्क्रिप्ट पे इस फ्रीक्वेंसी के साथ ये सही चल रहा है, या हो सकता है आपको फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़े, टेक प्रॉफिट वगैरह चेंज करना पड़े, वो सारी फीचर यहाँ दे रखे हैं, देन आपको लगता है हाँ प्रॉफिटेबल है, देन आप उसको यूज़ करो। पूरे ट्रेडिंग व्यू पे आपको ये इंडिकेटर नहीं मिलेगा एंड ये हमारे पास आपको फ्री मिल रहा है। अगर मैं इसकी कॉस्ट रखना चाहूँ तो ईजिली मैं 10,000 रुपये पर मंथ या 10,000 रुपये वन टाइम फीस रख सकता था, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा, बस ओनली फॉर ये हमारे यूजर के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी भी कोई ऑर्डर नहीं आया क्योंकि अलर्ट्स नहीं बना, अगर मैं इसे चलता रहने दूंगा तो ऑर्डर्स आते रहेंगे और फुल्ली ऑटोमेशन ट्रेडिंग होती रहेगी। आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि कैसे काम करना है। एंड फिर से मैं एक बार एक चीज बता दूं, अलर्ट्स लगाने के लिए जैसे आपको सिंपल टीपी ही लगाना था, आप ऐसा लेना ही नहीं चाहते, या ऐसा लेना था टीपी लेना ही नहीं चाहते, तो इधर जाओगे सुपर ट्रेंड लोगे। एंड जब हमने क्या करा था, हमने ये वाला लिया था लॉन्ग टीपी और SL, इसके अंदर दोनों ही टिगर हो रहे थे, दोनों में से कोई भी टिगर होगा अलर्ट्स बच जाएगा, बट आपको टीपी लेना था तो आप यहां पर जाओगे और ये लिखा है लॉन्ग टीपी ब्रेकआउट, आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका लॉन्ग टीपी का ही बनेगा, SL का नहीं बनेगा। इसी तरीके से आप SL लेना चाहते हो तो SL पे क्लिक करोगे। और एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको सबके अंदर वंस पर बार लेना है अगर आप फुल्ली ऑटोमेशन ट्रेडिंग करना चाहते हो। तो अगर आप देखोगे तो मेरे जितने भी अलर्ट्स है सब में वंस पर बार ले रखा। अगर आप इनके अंदर कुछ चेंजिंग करना चाहते हो, एग्जांपल के लिए आप चाहते हो कि भाई मेरी क्वांटिटी बढ़ जाए या मैं सेटिंग में चेंज करना चाहता हूँ, आप इधर आओगे, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पूरी सेटिंग खुल जाती है आपकी कि आपने क्या क्या कर रखा, वो चीज़ें कर सकते हो। इत्तेफाक की बात है, आपको लगता है कि अब मेरा ट्रेडिंग टाइम कंप्लीट हो गया, मुझे ट्रेड नहीं करनी, ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, ज़्यादा लॉस हो गया, ऐसे के अंदर आप क्या करोगे, ये ग्रीन है, ग्रीन का मतलब ऑन है, एक्टिवेट है, आप चाहते हो मुझे काम ही नहीं करना बोर्ड के साथ, आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर ऑल स्टॉप, आप ऑल स्टॉप पे क्लिक करोगे, यस करोगे, सारे रेड हो जाएंगे, इसका मतलब है बंद हो गया, अब सिग्नल आएंगे ही नहीं, अलर्ट्स आएंगे ही नहीं और आपका ऑर्डर जाएगा नहीं। फिर आपको लग रहा है मुझे सारे ऑन करने या अगले दिन ऑन करने, तो अगले दिन के लिए आप क्या करोगे, फिर इस पे जाओगे, ये लिखा है रिस्टार्ट ऑल इनएक्टिव, इस पे क्लिक करोगे, यस करोगे, सारे ग्रीन हो जाएंगे, अब एक्टिवेट हो गए। सपोज मानो मैंने आज ट्रेड कर ली, मैंने बीच में बंद कर दिया प्रॉफिट लेके लॉस लेके, एंड अगले दिन के लिए मैं ऐसे करूंगा, ये सारी चीजें करनी है, बस आप इजिली ट्रेड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।